गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम शालिनी हियर। आई वांट टू डिस्कस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपको मैं बात कर रही हूँ कि सेल का क्या फंक्शन होता है, क्या स्ट्रक्चर है। सेल में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज पड़े होते हैं, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? तो क्या ऑर्गेनिल है, क्या इनके फंक्शंस हैं, इनके बारे में हमने बताना है। क्लियर हो गई मेरी बात? जैसे सेल आपकी क्या है, रेस्पिरेटरी सेल्स क्या काम फंक्शन करती हैं, ये एक्सहेल और इनहेल गैसेस, और जो पेट की सेल्स हैं, स्टमक की सेल डाइजेशन का काम करती हैं। इसी तरह एक्सक्रेटरी सेल्स का क्या काम होता है, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना। तो इस तरीके से डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। अब सेल को हम टिश्यू, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया हुआ, टिश्यू का क्या मतलब है? जब ये सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है कंबाइन होके, तो उसे क्या कहेंगे, टिश्यूज कहते हैं। जैसे हमारी रेस्पिरेटरी सेल का क्या फंक्शन है, एक्सहेल और इनहेल करना गैसेस, तो सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अब पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल इज सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन, ये इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का? ये फंक्शन होता है, ये कुछ ही सब्सटेंस को अपने अंदर आने देती है और कुछ ही सब्सटेंस को अपने अंदर से बाहर जाने देती है। इसलिए इसका नेचर क्या हो गया, सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल मतलब अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर आने देती है और कुछ को बाहर निकलने देती है। इसलिए, और सेल किससे ढकी होती भाई, उसकी बाउंड्री तो होनी चाहिए ना, ऐसी तो सेल पड़ी नहीं रहेगी, दूसरी सेल से सेपरेट होने के लिए उसे बाउंड्री चाहिए, उसे क्या कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। क्लियर होगी मेरी बात? अब नेक्स्ट आता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यही मैंने बताया आपको कि ये सेलेक्टिव परमेबल होती है, कुछ ही सब्सटेंस को अपने अंदर आने देती है, कुछ ही को बाहर जाने देती है। अब आता है इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, टेक एन ओनियन बल्ब, रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग, यू कैन ईजली सेपरेट दीज फ्रॉम फ्लैशी वाइट लेयर ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स और इवन विद योर हैंड। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ओनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर, प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ द थिन ओनियन पील इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास साइड, द थिन लेयर कैन बी कट इन टू स्मॉलर पीस विद द हेल्प ऑफ ए ब्लेड और फोर्सेप्स, एड ए ड्रॉप ऑफ मिथाइल ब्लू सोल्यूशन टू द लेयर एंड प्लेस ए कवर स्लिप ऑन इट, वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप इंश्योर दैट देयर आर नो बबल्स अंडर द कवर स्लिप, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, ड्रॉ ए लेबल, यू मे कंपेयर इट। बेटा हमने एक ओनियन, मैं बार बार यही स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से सेल दिखती है। तो इसके लिए आपने ओनियन पील लिया, तो आप देखते हो एक वाइट कलर की लेयर अंदर से निकल आती है, कभी कभी छीलते हो ओनियन तो बीच में से एक लेयर निकल आती, पतली सी झिल्ली, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिया। तो एक से एक छोटे से इतने से पीस में कितनी सेल्स होती हैं, न्यूमरस सेल्स होती हैं, इस तरीके से। क्लियर हो गई? ठीक है, इस तरीके से सेल्स होती हैं। ईच सेल कंटेन न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या भरा है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, इतना आपको दिखता है उसमें सेल में। क्लियर हो गई मेरी बात? अब आता है, ये देखिए न्यूक्लियस, जब आपके स्कूल ओपन होंगे देन आई विल शो यू स्लाइड। तो द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, कवर्ड बाई अनदर थिक कवरिंग। अब चूंकि ये प्लांट सेल है, इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल भी होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, अगर आप स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, तो ये सेल है, सेल के ऊपर एक लेयर और होगी, उसे कहेंगे सेल वॉल, क्योंकि ये प्लांट सेल है।
एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, डेंस न्यूक्लियस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस जिसे क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं प्रेजेंट होता है। क्लियर हो मेरी बात? यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल और उसके ऊपर आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। द एडिशनल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोटेक्टिव सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्परेचर, हाई विंड, मॉइस्चर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, हमने ज़्यादातर लीफ ट्रेट्स कैंटिया, एलोडिया और रोइया की लीफ ले ली है और इस तरीके से हमने एक क्लीन स्लाइड्स बनाई है। सो इफ यू गॉट माय पॉइंट, आज हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, सेल का स्ट्रक्चर शो करा, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल है, अगर प्लांट सेल नहीं है तो फिर सेल मेम्ब्रेन केवल होगी। सो इफ यू गॉट माय पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।